चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अटल डुल्लू, सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मुदगल, मिस्टर सुनील सेट्टी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, डियर एथलीट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, माय हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स ऑफ फर्स्ट कश्मीर मैराथन। इस साल जुलाई में ये 42 किलोमीटर फुल मैराथन और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का आयोजन श्रीनगर में हो, ये विचार डुल्लू साहब लेकर के आए थे। पिछले 3 महीनों में जो प्रयास प्रशासन के और विभिन्न विभागों के हमारे साथियों ने किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो आज स्पिरिट दिखी है श्रीनगर की सड़कों पर, मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं सभी रनर्स को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो देश के कोने कोने से और अब्रॉड बाहर के देशों से आए हैं। मुझे लगता है कि मैराथन केवल विनिंग और लूजिंग का सिलसिला नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मैराथन के लिए, ये ब्रदरहुड, भाईचारा और एक दूसरे को जोड़ने में बहुत मदद करती है। अभी बताया गया कि 1700 से ज़्यादा एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर स्पोर्ट्स बन गया है जम्मू कश्मीर के लिए। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, प्रशासन और पुलिस के सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट आयोजित किया है। और आज पूरे जोश से वी आर सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, डेडिकेशन एंड जील फॉर रनिंग। मुझे लगता है कि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद न दूं तो शायद ये बात अधूरी होगी, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर और जम्मू कश्मीर की शांति के प्रयास को मंजिल और मुकाम तक पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आज श्रीनगर की धरती पर ये मैराथन कराया जा सका है। उनका जो कमिटमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य को लेकर के, मैं समझता हूँ कि इसका प्रतिफल है कि आज 12 देशों के लोग आकर के इस मैराथन में हिस्सा लिए हैं। और स्वाभाविक रूप से यहाँ आइकॉनिक लोकेशंस हैं, नेचुरल ब्यूटी है, इससे ये और भी अविस्मरणीय हो जा रही है मैराथन। मैं आए हुए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा और लंगर स्टे करिए, यहाँ की हॉस्पिटलिटी इंजॉय करिए, और जो इनक्रेडिबल साइट्स हैं और साउंड्स हैं पर्टिकुलरली, इनको जरूर एक बार देखिए, ये मेरा आग्रह होगा। दोनों कैटेगरीज में रनर्स के प्रयासों का सर्वोत्तम स्वरूप देखने को आज मिला है। ये पराक्रम, साहस और समर्पण के साथ साथ हर पार्टिसिपेंट ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न किया है, चाहे मैराथन हो या स्पोर्ट्स के अन्य डिसिप्लिन हो। जब दृढ़ संकल्प के साथ इंसान अपनी श्रेष्ठता और पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है, तो उस प्रक्रिया में वह समाज को भी जीवंत बनाता है। चाहे जितनी बाधाएं आएं, चुनौतियां सामने हों, पर उन पर विजय प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य उस समय होता है। और इसीलिए देयर इज अ सेइंग दैट द बेस्ट थिंग अबाउट द मैराथन इज दैट वी कम्पीट अगेंस्ट आवर सेल्व्स। यही कश्मीर मैराथन का भी स्पिरिट रहा है। मैं मानता हूँ कि मैराथन इंसान को जीवन में एक नए सफर का अवसर देता है, जिससे रनर अपनी शारीरिक,
मानसिक सीमाओं को चुनौती देने लायक बन पाता है। रनर की दौड़ किलोमीटर और मेडल में सीमित नहीं रखी जा सकती, बल्कि एक साहसपूर्ण खोज बन जाती है, जिसमें अलग अलग उम्र, अलग अलग बैकग्राउंड की पर्सनालिटीज मिलकर ह्यूमन स्किल, साहस, कैरेक्टर बिल्डिंग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आवाम के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैराथन शांति और समृद्धि का भी प्रतीक है। रनर्स की दौड़ में समाज के आगे बढ़ने, तरक्की की नई सीमाओं को तय करने और समृद्धि के परचम को फहराने की भी झलक मिलती है। यह विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करने का एक अवसर है। मैराथन समानता और मित्रता को प्रमोट करने का भी एक अवसर है। इस प्रथम आयोजन के पश्चात, जैसा तय हुआ था, जम्मू में भी मैराथन का आयोजन किया जाएगा, और मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि जम्मू में भी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैराथन के लिए जम्मू कश्मीर से अच्छा मौसम, लैंडस्केप और ओवरऑल वातावरण देश में कहीं और मिलना असंभव है, और इससे श्रीनगर तथा जम्मू शहर को ग्लोबली एक नई पहचान मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है, जो परंपरा और आधुनिकता के संगम के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर को आज गर्व है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर ग्लोबल रनिंग मैप पर आवे, इसका प्रयास एक सफल प्रयास प्रारंभ हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में चाहे G20 ग्रुप की मीटिंग का आयोजन हो, फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियनशिप हो, गोल्फ के अनगिनत स्पोर्ट्स इवेंट हो, विंटर स्पोर्ट्स हो, Formula 4 रेसिंग हो, या अभी हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट जैसे इंटरनेशनल इवेंट श्रीनगर में आयोजित हुए हैं, सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स और टूरिज्म दोनों क्षेत्रों में फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभरे, इसका हर प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ा मशहूर शेर है, अभी से पांव के छाले न देखो, अभी से पांव के छाले न देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। मैं समझता हूं कि अभी आने वाले वर्षों में जम्मू एवं कश्मीर मैराथन के इवेंट्स में भाग लेने वाले रनर्स और देशों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ेगी, और दुनिया के मैराथन इवेंट्स में कश्मीर मैराथन का आयोजन सिग्नेचर इवेंट के रूप में देखा जाएगा, जो आवाम में एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। मैं फिर से एक बार विनर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ, और रनर्स को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि वो देश के कोने कोने से, दुनिया के बाहरी देशों से यहाँ आए, और आयोजकों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।